नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे योगी कैबिनेट 2.2 के शपथ ग्रहण के 3 दिन के बाद मंत्रियों के मंत्रालयों का आवंटन किया गया, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर लोक निर्माण विभाग लेकर ग्राम विकास विभाग की जिम्मेदारियां दी गई, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। पीएम मोदी के करीबी और कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास विभाग दिया गया है, तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह को सिंचाई विभाग दिया गया है। बता दें कि एम्स योगी आदित्यनाथ ने अपने पास 34 विभाग रखे हैं। औरैया के स्कूलों में यूपी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, जहां परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है। प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों पर सख्ती से पालन कराया जा रहा है, तो वहीं संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर बराबर प्रशासन और सचल दल भ्रमण कर रहा है। जहां विधुना तहसील क्षेत्र के श्यामलाल इंटर कॉलेज में उपजिलाधिकारी द्वारा भ्रमण किया गया, जिसमें उपजिलाधिकारी द्वारा केंद्र में LED पर देखी गई है, जिसके बाद श्यामलाल इंटर कॉलेज को संवेदनशील केंद्रों में रखा गया। उप जिलाधिकारी ने बताया, अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, अगर किसी भी तरीके से शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। देहरादून में महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने BJP सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सत्ता में आने से पहले BJP ने बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद BJP अपने इस नारे को भूल गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के रोजाना दाम बढ़ रहे हैं, यदि सरकार ने महंगाई पर रोक नहीं लगाई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए हैं वैसे ही जो मोदी सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसने हर चीज पे दाम बढ़ा दिए, चाहे पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम 6वीं बार आज सुबह बढ़ा है, गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़े हैं, सब्जियां महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, तो ये तो जनता के ऊपर एक लूट है जो सरकार इलेक्शन खत्म होकर तुरंत चालू कर दी है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ आज एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप महिलाओं के बजट को खराब करोगे तो फिर हम लोग आपके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़े। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र कल 29 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। ऐसा पहली बार हुआ कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विपक्षी कांग्रेस की ओर से कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ, जबकि BSP के नेता मोहम्मद शहजाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल हुए, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि विपक्ष को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की सूचना दे दी गई थी, लेकिन कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक नहीं हुई है और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो सका है, इसलिए कांग्रेस का कोई नेता बैठक में शामिल नहीं हुआ। बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, उसके बाद लेखनादान सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस बार का विधानसभा सत्र हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष के विधायकों की संख्या पिछली सरकार के मुकाबले बड़ी है। जी देखिए, उनको खबर गई थी, इनको इंफॉर्मेशन भेजी गई थी, लेकिन वहाँ से जो खबर आई है कि उनका शायद LOP अभी नहीं चुना गया, ना ही उनकी विधानमंडल दल की बैठक हुई है, और जब तक LOP नहीं होता तो उनके यहाँ से यहाँ पर किसे भेजा जाए उसका निर्णय शायद नहीं हो पाया था, इस वजह से वो नहीं आए, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन गई थी। BSP से आप जानते हैं शहजाद जी आए थे और बाकी तो कोरम पूरा था, तो इन्फॉर्मेशन जाने गई थी, लेकिन शायद उनकी कुछ टेक्निकल इशू रहे होंगे। देवरिया सदर कोतवाली के बजाजी गली में कैश वैन लूट करने आए बदमाशों ने कलेक्शन मैनेजर को गोली मार दी, फिर कैश वैन की रखवाली कर रहे गार्ड ने भी बदमाश को गोली मार दी। जहां लूट की वारदात असफल रही, तो वहीं दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में शामिल 2 बदमाश फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है और जाँच में जुट गई है। मौके पर पुलिस के बड़े अफसर भी मौजूद है। मास्क लोग ने मुंह मास्क लगाए थे, हेलमेट लगाए थे, गमछा लगाए थे, और 3 लोग थे, छोरे हाथ में से पिस्टल ये थे, लगे हैं लोग गोली चलाने, और सब कोई पकड़ा है, तब तक 1-2 भग गए हैं, 1 पकड़े गए हैं। हमारे अधिकारी गोली मारा था पेट में, और पैसा भी लिया था, पिस्टल भी लिया था, और हमको ना गोली मार दी, इसलिए मैं उसके पैर में गोली मार के पैसा। 1:15 के आसपास
SDFC के ये टैक्स कलेक्टर हैं जो जो लोन पे पैसे दिए जाते हैं उसको कलेक्ट करते हैं प्रभुनाथ जी, ये गली में पैसा कलेक्ट करके आ रहे थे, समतः 13-14 लाख रुपए इनके पास थे और एक लड़के ने इनको गोली मारा इनके पेट में और पैसा छीनने का पहले प्रयास किया, जब इन्होंने उसका विरोध किया तो पेट में गोली मार दी, लेकिन साथ में एक दूसरे इनके साथी जो थे वो असलहे के साथ थे, वो पुलिस इसमें होमगार्ड विभाग में होमगार्ड भी हैं, थाना कोतवाली में ड्यूटी भी करते हैं, वो भी साथ में थे, उन्होंने अपनी बंदूक से फिर फायर किया जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी और वो वहीं गिर गया। इस प्रकार लूट के जो प्रयास की घटना थी लूट नहीं हो पाई, लेकिन इसमें प्रभुनाथ के पेट में गोली लगी है तथा बदमाश के पैर में गोली लगी है, इलाज के लिए बेहतर इलाज के लिए उनको BRD रिफ़र कराया जा रहा है। कितने बदमाश थे सर? अभी वो एक ही के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके साथ और लोग रहे हैं, वो इसके बारे में बात करके फिर बताएंगे। हमीरपुर में बैंक संगठनों की हड़ताल की अपील पर जिले में हड़ताल का असर देखने को नहीं मिला। दरअसल डाकघर और इंडियन बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहे, लेकिन अन्य सभी बैंकों की शाखाएं खुली रहीं। बता दें कि हड़ताल पर गए कर्मचारियों की मांग है कि बैंकों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए और पुरानी पेंशन बहाली शुरू की जाए। तो वहीं पोस्ट ऑफिस में हड़ताल की वजह से वहां आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल जिले में 2 दर्जन से अधिक बैंकों की शाखाएं हैं। और नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ के बैनर तले ये 22 सूत्री मांगों को लेकर हमारी हड़ताल है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और नई पेंशन जो विभेदकारी है और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा में एक बहुत बड़ी बाधा है उसको ख़त्म किया जाए और पुरानी पेंशन लागू की जाए। जो विभागों का निजीकरण और निगमीकरण किया जा रहा है उसे बंद किया जाए और ट्रेड यूनियन के नाम पर जो विक्टिमाइजेशन किया जाता है वो बंद किया जाए। जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर मृतक आश्रित कोटे पर रिलैक्सेशन कोटे पर 5% की सीलिंग है उसे बंद किया जाए। इस तरह हमारी कुल 22 सूत्री मांगे हैं। ऑल इंडिया यूनियन और नेशनल यूनियन के कुछ कर्मचारी जो हैं हमारे स्ट्राइक पर हैं, जो नई पेंशन योजना जो पुरानी पेंशन योजना की बहाली और महंगाई भत्ता वगैरह के लिए अपनी डिमांड रखा है। तो बैंक और डाकघरों के कुछ कर्मचारी स्ट्राइक में, जिसमें हमारे यहाँ BMS के लोग सम्मिलित नहीं हैं, SBCO यूनियन के लोग सम्मिलित नहीं हैं और शाखा डाकघरों में और सब ऑफिसों में काम हुआ। उत्तराखंड में आज से हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है, जहां बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र छात्राएं भी काफी उत्साहित दिखाई दिए। तो वहीं सुबह की मीटिंग में हाईस्कूल और शाम की मीटिंग में इंटर की परीक्षा कराई गई। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत भी सुबह से ही विद्यालयों के बाहर बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जिसके बाद विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा सभी छात्र छात्राओं की चेकिंग कर विद्यालय में प्रवेश दिया गया ताकि बोर्ड परीक्षा को सफल बनाया जाए। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी जसपुर अनिल कुमार ने बताया कि जसपुर विकास खंड में हाईस्कूल के 11 परीक्षा केंद्रों में 2,717 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 2,622 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी। तो वहीं 90 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि जसपुर विकास खंड में इंटरमीडिएट के 10 परीक्षा केंद्रों पर 2,090 परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। उत्तराखंड विद्यालय परीक्षा जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की आज 28 मार्च से प्रारंभ हो गई, जिसमें प्रथम पाली में जो हाई स्कूल की विषय हिंदी की परीक्षा आज संपन्न हो गई। विकासखंड जसपुर में हमारे कुल 11 केंद्र हाई स्कूल के आज थे, जिसमें कुल 2,717 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें आज 2,622 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। 92 परीक्षार्थी आज परीक्षा में अनुपस्थित हैं। बालिकाएँ 33 हैं, बालक 62 हैं। परीक्षा जो हमारी संपन्न हो गई है,
11 परीक्षा केंद्रों में से कहीं से कोई भी अप्रिय घटना चाहे अनुचित साबित निरीक्षण किया गया जिसमें परीक्षा नियमानुसार संचालित देखी गई। हाँ, में आज इंटरमीडिएट हिंदी की परीक्षा द्वितीय पाली में समय 2 बजे से प्रारंभ होगी जिसमें कुल पंजीकृत हमारे छात्र छात्राएँ 2089 हैं जिसमें बालक 1007 1082 हैं जिसमें इंटरमीडिएट के हमारे 10 परीक्षा केंद्र हैं। सहारनपुर के बेहट में एक दंपति के 14 माह के बच्चे को बाइक सवार 4 लोगों ने छीनकर सड़क पर पटक कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ग्राम इशाकपुर चेची निवासी अमृतलाल पुत्र भागवत अपनी बहन के साथ अपने 11 माह के बच्चे को दवाई दिलाने ले जा रहे थे, जहां बाइक सवार 4 लोगों ने उसकी बहन के साथ मारपीट की और बच्चे को छीन कर सड़क पर पटक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित दंपति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। संभल के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर दूषित पानी पिलाने और भोजन में कीड़े युक्त खाना मुहैया कराने का आरोप लगाया है, जहां कहा गया है कि अफसरों से शिकायत करने पर छात्रों को कॉलेज से निष्कासित करने की धमकी दी जाती है। तो वहीं दर्जनों छात्रों ने DM से मिलकर कार्रवाई की गुहार लगाई है, जिसके बाद इस मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र गौतम ने कहा कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में सहारनपुर के हकीकत नगर धरना स्थल पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों के द्वारा राष्ट्रीय आह्वान पर 28 और 29 मार्च यानी कि आज और कल 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की गई, जहां विभिन्न संगठन और ट्रेड यूनियन के द्वारा एकत्र होकर अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जहां ज्ञापन के माध्यम से न्यूनतम वेतन 26,000 प्रतिमाह घोषित करने, महंगाई पर रोक लगाने के साथ बिजली संशोधन बिल 2021 को रद्द करने की मांग की गई। सुलझा लेंगे, लेकिन लगभग 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से इस ओर कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए। हम जब जब उनसे बात करते हैं हमें अगली मीटिंग के लिए इन्वाइट कर दिया जाता है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। जितेंद्र भाई आईडी छोकरी यार, सारी की सारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जी आईडी छोकरी, वो बैंकों का निजीकरण होना किया जाए। बैंकों के अंदर 2004 के बाद जो बैंकिंग स्टाफ लगा है कर्मचारी और अधिकारी के मामले में, उनको नई पेंशन स्कीम हटाकर थोड़ी सी ऊपर लो, वो स्कीम के तहत लाया फर्स्ट इंडिया नीचे कर लो। आज बैंकों के अंदर सभी बैंकों के अंदर समस्त शाखाओं के अंदर डिफरेंट BCs काम कर रहे हैं, बिजनेस कोऑर्डिनेटर, उनको परमानेंट किया जाए। और अगर आप उनको परमानेंट नहीं करते हैं तो ग्राहक सेवा के नाम पर जिसका दावा लगातार किया जा रहा है कि हम 130 करोड़ लोगों को सेवा देना चाहते हैं, उस सेवा को सुविधापूर्वक और सुचारू रूप से चलाने के लिए आज की तारीख में बैंकों में भर्ती की जानी बेहद जरूरी है। इन मामलों को दिनेशपुर में हरिचंद्र गुरुचंद मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3 दिवसीय महावारुणी मेला की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां हरिचंद गुरुचंद मंदिर में स्थित तालाब में 30 मार्च को स्नान कार्यक्रम है। उक्त तालाब में तकरीबन 2 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस अवसर पर 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन भी किया गया है। इस दौरान कमेटी के शंकर मंडल ने कहा कि 2 वर्ष लॉकडाउन के चलते महावारुणी स्नान कार्यक्रम नहीं हो सका था, लेकिन इस वर्ष बड़े धूमधाम के साथ मेला और वारुणी स्नान के लिए तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। फतेहपुर में 1 जनवरी को राधानगर नई बस्ती में हत्या की गई थी, जिसमें 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। वहीं दूसरे प्रकरण होली पर्व के अवसर पर जबरन रंग लगाए जाने पर क्षत्रिय व सोनकर समाज के बीच विवाद शुरू हुआ था, जहां दोनों पक्षों में जमकर मारपीट के साथ खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने ज्ञात और अज्ञात में सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा था। इस मामले में आज क्षत्रिय समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर निर्दोष लोगों को छोड़ने की मांग की।
समाज के ऊपर। एक तो 1 जनवरी 2022 को एक हत्या हो गई थी राधा नगर नई बस्ती में, उस पर हमने वार्ता करने आए थे क्योंकि अभी तक 3 महीने बीत गए हैं, कोई खुलासा नहीं हुआ है। उसमें होदय से बातचीत हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत सारे लोगों को अंदर कर दिया है, उठाया है, पूछताछ भी किया है, लेकिन अभी हम उस तह तक नहीं पहुँचे हैं। हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द हम इस घटना का खुलासा करेंगे। क्या लगता है आपको, आप इनकी बातों से संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है भाई, अब प्रशासन है, अभी तक तो चुनाव में व्यस्त रहे हैं और अब समय लगा है, वैसे काफ़ी लोगों को इन्होंने उठाकर कम से कम 10 से 15 लोगों को उठाया है, अब बराबर उसमें जो है कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय सिंह और जिलाध्यक्ष अग्रवाती क्षेत्र जी। दूसरा क्या मामला था? दूसरा मामला ये किशनपुर थाना क्षेत्र का है, वहाँ पे सोनकर समाज और छत्री समाज से विवाद हो गया था होली के दिन, उस प्रकरण में भी कुछ लोगों को फसल में गलत तरीके से वहाँ पे प्रशासन परेशान कर रहा था, उसी संदर्भ में हम लोगों ने अपनी बात रखने आए थे कि गलत ना परेशान किया जाए। मुरादाबाद में परिवर्तन द चेंज के दल के सदस्यों द्वारा मुरादाबाद से हरिद्वार तक साइकिल चलाकर जल लेकर आए, जहां एक तरफ मुरादाबाद की रामगंगा नदी का जल था तो दूसरी तरफ हरिद्वार की नदी का जल था। दोनों में ही बहुत अंतर था। दरअसल परिवर्तन द चेंज की टीम द्वारा मुरादाबाद के लोगों को रामगंगा नदी में साफ सफाई के प्रति जागरूक करने को लेकर एक अलग ही तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें दोनों ही जलों में बहुत फर्क मालूम पड़ा है। मुरादाबाद नदी में से निकला हुआ जल थोड़ा सा गंदा है, वहीं हरिद्वार से लाया गया जल पूरी तरीके से शुद्ध है। बता दें कि अभी यहां से 2-3 दिन पहले जिलाधिकारी ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अभी यहां से 2-3 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय ने एक साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वो यहां से 165 किलोमीटर हरिद्वार तक साइकिलिंग करते हुए वॉलंटियर्स गए थे और रास्ते में जो भी गांव या जो भी चौराहा जो भी मिलता था उसके ऊपर जल के संरक्षण संवर्धन और उसकी साफ सफाई के लिए लोगों को जागरूक करते हुए जा रहे थे। तो यहाँ का रामगंगा का जल है जो लेकर गए थे साथ में, जो बहुत गंदा कर दिया है हम लोगों ने, मटमैला है वो उसका। और फिर वहाँ ये यहाँ का है रामगंगा का, इस पर लिखा हुआ भी है, कटघर से लिया है मंदिर के पास से, और ये है गंगा जी का जो हल्की पौड़ी से लिया है। तो ये लोगों को बता रहे हैं कि हमने जल कितना पवित्र था और कितना साफ था और हम लोगों ने उसकी क्या स्थिति कर दी, क्योंकि गंगा की जो है रामगंगा ट्रिब्यूटरी है, ये कन्नौज के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। तो यदि गंगा को स्वच्छ करना है तो रामगंगा को भी स्वच्छ करना पड़ेगा। इस जागरण के लिए अभियान चलाया हुआ है और ये हमारी परिवर्तन द चेंज की टीम हर हफ्ते इतवार को जाके गंगा के तट पे, रामगंगा के तट पे जाके सफाई करती है और लोगों को जागरूक करती है कि भाई अगर हमने अपनी गंगा को अच्छा रखा, स्वच्छ रखा। मेरठ में लगातार हो रही चैन स्नैचिंग और ग्रुप के सक्रिय होने के चलते पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है, जहां पुलिस ने इन लुटेरों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस की सर्वेलांस टीम की मदद से इन चैन स्नैचरों को आराम से पकड़ा गया। ये चैन स्नैचर्स मेरठ में ही नहीं आसपास के जिलों में भी लूट को अंजाम दे चुके हैं। इनके संपर्क में चैन खरीदने वाला सुनार भी है, जो लगातार इनसे चोरी का माल खरीदता है, उस पर भी पुलिस कार्य कर रही है। पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता में एसपी सिटी विनीत भटनागर द्वारा खुलासे की पूरी जानकारी दी गई। देखिए, अभी कुछ दिन पहले थाना मेडिकल क्षेत्र में और उसके बाद में थाना नौचंदी क्षेत्र में सिमिलर टाइप की वारदात हुई थी। एक महिला से चेन छीनी गई थी, जिसमें जो नौचंदी वाली घटना थी बड़ी सनसनीखेज थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें महिला को धमका के आतंकित करके उसकी चेन गले में पहनी हुई चेन छीनी थी। उसके बाद से इसको चैलेंज के रूप में लिया पुलिस ने। हमारी जो सर्विलांस की टीम का इसमें विशेष योगदान रहा है, सर्विलांस की टीम और थाना नौचंदी पुलिस दोनों की मिलीजुली कार्रवाई में 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसमें लूट करी हुई चेन भी बरामद हुई है, जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। सीसीटीवी के माध्यम से हमने एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स एस्टेब्लिश करी है और साथ में जिस सुनार को इन्होंने ये जा करके बेची थी, उस सुनार का भी नाम इसमें प्रकाश में आया। पहले भी उसने इन व्यक्तियों से इस प्रकार की खरीदारी करी और इस बार भी जानते हुए कि ये इसमें से एक व्यक्ति कन्विक्टेड है और उसके बारे में ठीक से पता था कि वो इस प्रकार की घटनाएँ कर रहा है, उसके बावजूद भी उसे खरीदारी करी है, ये बात इस्टेब्लिश हुई है।
वो अभी वांछित चल रहा है। साथ ही साथ जिस मोटरसाइकिल से लूट करते थे, ये मोदी नगर से चोरी करी गई थी, इन्हीं के द्वारा चोरी करी गई थी, इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। तो ये इन सभी मामलों में जो है ये गिरफ्तार हुए हैं। इनसे पूछताछ में कुछ अन्य घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं, जिसमें एक थाना पल्लवपुरम क्षेत्र की घटना थी जो मोदीपुरम में इसी प्रकार से करी गई थी, और कुछ बरामदगी भी चेन की हुई है। बाकी जो मुलजिम है, जो सुनार जिसको इन्होंने गलाने के लिए दिया था, वो अभी फरार है, उसके बारे में भी हम जो है मऊ में पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण का मामला है, जहां पुलिस ने एम्बुलेंस पंजीकरण मामले में आरोपी बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी समेत 13 आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर कानून के तहत मामला दर्ज किया है। नगर कोतवाली में मुख्तार के खिलाफ एम्बुलेंस मामले में दूसरी बार प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में अंसारी के अलावा मऊ, गाजीपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज के 13 अन्य लोग भी नामजद किए गए हैं। ये आरोपी एम्बुलेंस प्रकरण में पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। कुशीनगर के जिला जज अशोक कुमार सिंह, जिलाधिकारी एस लांजलिंगम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रविकांत यादव, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के द्वारा देवरिया जेल का निरीक्षण किया गया, जहां जेल परिसर में जाकर सभी उच्चाधिकारियों ने कैदियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जिला जज ने कैदियों से बात की और पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं समय से मिलती हैं कि नहीं, जमानत की क्या स्थिति है, वकील की जरूरत तो नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।